शताब्दी वर्ष की इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी, महाराष्ट्र के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल जी, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री भाई विनोद तावड़े जी, नारी सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण और इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हमारी बहन हंसा जी, परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, हमारे योग क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर नगेंद्र जी, डॉक्टर कार्तिकेय जी, डॉक्टर वसुपा रेड्डी जी और इसी उपस्थित बंधु और बहनों, चित्त वृत्ति निरोधो योग है। योग केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावनाएं और हमारी आत्मा, इन सबको एक साथ स्वस्थ अगर कोई बनाता है उसका नाम है योग। योग भारतीय संस्कृति की वह महान विरासत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में बात उठाई और आज देखते ही देखते सैकड़ों सैकड़ों देश जो है उस महान भारतीय संस्कृति की विरासत। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं जिस जैन परंपरा से आया हूं, माननीय उपराष्ट्रपति जी से कहना चाहूंगा, इतिहास में अब तक जितनी भी जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है भगवान महावीर से लेकर के भगवान ऋषभ की, वो सारी की सारी ज्ञान और योग की मुद्रा में मिलती है। कोई पद्मासन में, कोई अर्धपद्मासन में, कोई कायोत्सर्ग के अंदर, या हमारी हजारों हजारों वर्ष की महान विरासत। योग सबसे बड़ा जो काम करता है वह हमारे मन की नकारात्मकता को खत्म करता है, हमारे भीतर सकारात्मक सोच को पैदा करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को पैदा करता है। और मैं अगर अल्टीमेटली कहूं, ये योग ही वो क्षेत्र है, वो माध्यम है जो विश्व शांति का आधार बन सकता है। इसलिए बंधु हम सबको मिलकर के, आप देख सकते हैं अभी डॉक्टर कार्तिकेय जी कह रहे थे, एक जीवन व्यक्तित्व तो जो है कितना बड़ा बदलाव कर सकता है, ये योग इंस्टीट्यूट अपने आप में हमारे सामने उदाहरण है। एक एक व्यक्ति जो है, अगर हम सभी आज के दिन यह संकल्प करें, मुझे लगता है ये योग दिवस मनाना इस इंस्टीट्यूट के प्रति हमारा सबका जो है समाज की ओर से एक प्रतिज्ञता का भाव होगा। मैं अधिक लंबा समय लिए बगैर ये अवश्य कहना चाहूंगा, जैसा डॉक्टर कार्तिकेय ने कहा, ओबामा से लेकर के किस तरह प्रभावित हुए, मुझे सौभाग्य मिला जब यूनाइटेड नेशंस में प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था, मैं वहां पर उपस्थित था उस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। श्री श्री रविशंकर जी हमारे महान योग गुरु, भारत की विदेश मंत्री, और हमने सबने आंखों से देखा कि उस समय यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने किस तरह से योग की मुद्राएं आसन किया, सारी दुनिया ने उसको देखा। आइए बंधुओं, हम सब मिलकर के बहन हंसा जी के इस आह्वान पर कि आओ मिलकर बैठ के आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें, यह तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात का जरिया योग, ये खुद से खुदा की मुलाकात का जरिया है योग। इसलिए हम ध्यान और योग की इस महिमा को, मैं अपनी बात समय सीमा में संपन्न करना चाहूंगा, केवल मैं एक उदाहरण दूंगा। जब मैं अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली में हुआ करता था, मैंने एक प्रोजेक्ट चलाया कि ध्यान और योग आधारित जीवन शैली से हृदय रोगों की रोकथाम। 42 रोगियों को उसमें लिया गया, 21 रोगी दवाई के आधार पर थे, 21 रोगी ध्यान और आधारित योग की आधारित जीवन शैली पे थे। और मुझे ये बताते हुए आपको सात्विक प्रसन्नता होती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे एम्स के हृदय विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर मनचंदा की रिपोर्ट है, उन 21 में से 20 रोगी जो है पूरी तरह स्वस्थ हुए केवल ध्यान और योग की जीवन शैली से। भाइयों बंधुओं, उस जीवन शैली को हम अपनाएं और हम केवल बात नहीं करें, जो
जो योगी इंस्टीट्यूट ने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, और मैं बहन हंसा जी आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि बात सरल बलिदान कठिन है, पदज से जो थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो मेरी बहना, जो आप निर्माण में लगी हो, जो सृजन में लगी हो, ये स्वस्थ समाज की संरचना का, हेल्दी सोसाइटी के निर्माण का ये महान अवसर है। और महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने आकर के जो उत्साह वर्धन किया है, निश्चित रूप से इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, आप और हम सभी मिलकर के इस इंस्टीट्यूट के शताब्दी समारोह की संपन्नता पर और अधिक गरिमा के साथ जो है इसको और ऊंचाइयों तक ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वो चित्त वृत्ति निरोधो योग है। योग केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावनाएं और हमारी आत्मा, इन सब को एक साथ स्वस्थ अगर कोई बनाता है, उसका नाम है योग। योग भारतीय संस्कृति की वह महान विरासत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में बात उठाई, और आज देखते ही देखते सैकड़ों सैकड़ों देश जो है उस महान भारतीय संस्कृति की विरासत। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं जिस जैन परंपरा से आया हूं, माननीय उपराष्ट्रपति जी से कहना चाहूंगा, इतिहास में अब तक जितनी भी जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, भगवान महावीर से लेकर के भगवान ऋषभ की, वो सारी की सारी ज्ञान और योग की मुद्रा में मिलती है। कोई पद्मासन में, कोई अर्धपद्मासन में, कोई कायोत्सर्ग के अंदर, यह हमारी हजारों हजारों वर्ष की महान विरासत। योग सबसे बड़ा जो काम करता है वह हमारे मन की नकारात्मकता को खत्म करता है, हमारे भीतर सकारात्मक सोच को पैदा करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को पैदा करता है। और मैं अगर अल्टीमेटली कहूं, ये योग ही वो क्षेत्र है, वो माध्यम है जो विश्व शांति का आधार बन सकता है। इसलिए बंधु, हम सबको मिलकर के, आप देख सकते हैं अभी डॉक्टर कार्तिकेयन जी कह रहे थे, एक जीवन व्यक्तित्व तो जो है कितना बड़ा बदलाव कर सकता है, ये योग इंस्टीट्यूट अपने आप में हमारे सामने उदाहरण है। एक एक व्यक्ति जो है, अगर हम सभी आज के दिन यह संकल्प करें, मुझे लगता है ये योग दिवस मनाना इस इंस्टीट्यूट के प्रति हमारा सबका जो है समाज की ओर से एक प्रतिज्ञता का भाव होगा। मैं अधिक लंबा समय लिए बगैर ये अवश्य कहना चाहूंगा, जैसा डॉक्टर कार्तिकेय ने कहा, ओबामा से लेकर के किस तरह प्रभावित हुए, मुझे सौभाग्य मिला जब यूनाइटेड नेशंस में प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था, मैं वहां पर उपस्थित था उस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। श्री श्री रविशंकर जी हमारे महान योग गुरु, भारत की विदेश मंत्री, और हमने सबने आंखों से देखा कि उस समय यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने किस तरह से योग की मुद्राएं आसन किया, सारी दुनिया ने उसको देखा। आइए बंधुओं, हम सब मिलकर के बहन हंसा जी के इस आह्वान पर कि आओ मिलकर बैठ के आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें, यो तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात का जरिया योग, ये खुद से खुदा की मुलाकात का जरिया है योग। इसलिए हम ध्यान और योग की इस महिमा को मैं अपनी बात समय सीमा में संपन्न करना चाहूंगा। केवल मैं एक उदाहरण दूंगा, जब मैं अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली में हुआ करता था, मैंने एक प्रोजेक्ट चलाया कि ध्यान और योग आधारित जीवन शैली से हृदय रोगों की रोकथाम। 42 रोगियों को उसमें लिया गया, 21 रोगी दवाई के आधार पर थे, 21 रोगी ध्यान और आधारित योग की आधारित जीवन शैली पे थे। और मुझे ये बताते हुए आपको सात्विक प्रसन्नता होती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे एम्स के हृदय विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर मनचंदा की रिपोर्ट है, उन 21 में से 20 रोगी जो है पूरी तरह स्वस्थ हुए केवल ध्यान और योग की जीवन शैली से। आइए बंधुओं, उस जीवन शैली को हम अपनाएं, और हम केवल बात नहीं करें, जो योग इंस्टीट्यूट ने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, और मैं बहन हंसा जी आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ,
और ये कहना चाहता हूँ कि बात सरल बलिदान कठिन है, पदक सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो मेरी बहना, जो आप निर्माण में लगी हो, जो सृजन में लगी हो, ये स्वस्थ समाज की संरचना का, हेल्दी सोसाइटी के निर्माण का ये महान अवसर है। और महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने आकर के जो उत्साह वर्धन किया है, निश्चित रूप से इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, आप और हम सभी मिलकर के इस इंस्टीट्यूट के शताब्दी समारोह की संपन्नता पर और अधिक गरिमा के साथ जो है इसको और ऊंचाइयों तक ले जाए।